ऑन शूट कोई पर मुश्किल खड़ी हो गई हो आपके साथ कुछ ऐसा? मेरे जितने शेड्यूल होते हैं बड़े प्री प्लान होते हैं, और मुझे नहीं याद है कि कोई मेरी पिक्चर में कहीं शूटिंग के दौरान रुकावट आई हो या कहीं कोई ऐसी रुकावट आती हो। मैं जो काम करता हूँ बड़े प्लानिंग के साथ करता हूँ, और जो हमारी शेड्यूल होता है दो एक दिन पहले खत्म हो जाता है। कभी शेड्यूल जो है ना बियॉन्ड शेड्यूल नहीं गया है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होती। जब काम शेड्यूल के अंदर खत्म नहीं होता है तभी परेशानियां होती हैं। प्रोड्यूसर भी परेशान होता है, आर्टिस्ट भी परेशान होता है, डायरेक्टर भी परेशान होता है, तो उस टाइप का दौर कभी मेरे पास आया नहीं। और ये मेरी भी जितनी 8-10 फिल्में बनाई हैं किसी में आज तक पैच वर्क नहीं निकला है। मेरा ऐसा है शेयर टू शेयर मेरी वो बदलती रहती है, किसी का अच्छा शेयर लगा तो मेरा फेवरेट हो गया, वो चाहे नया हो पुराना हो, चाहे गालिब साहब हो, बशीर बदर साहब हो या कसीम हैदर साहब हो। कसीम हैदर साहब हमारे दोस्तों में से है, वो कभी कभी शायरी लिख के भेजते हैं तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, उसी टाइम उनको जवाब देता हूँ, उनकी हौसला अफजाई करता हूँ, लेकिन तभी करता हूँ जब वो अप टू द मार्क हो और मेरे दिल को लगे। तो मेरा ये नहीं है कि गालिब साहब का शेर है या गुलजार साहब का है, किसी का भी शेर अच्छा हो सकता है, उसमें दम होना चाहिए। अपनी ऑडियंस से कुछ मैसेज? ऑडियंस से मैसेज ये है कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने फिर मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, तो वोट मुझे दीजिएगा। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, दिल की पार्टी है, तो दिल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।